हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल किया है कि टैली में इनको बाउचर नहीं समझ में आता है कि कौन से बाउचर में कौन सी एंट्री होती है। तो चलिए एक बार समझते हैं। ये कंपनी बनी हुई है, अब देखिए इसमें बहुत सारे बाउचर होते हैं, तो बाउचर में जाने के लिए आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको केवल और केवल वी बटन प्रेस करना है। वी बटन प्रेस करते ही आप बाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली आ गए हैं पेमेंट बाउचर में। यहाँ पर देखिए पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग कब करते हैं, देखिए परचेजिंग हम तब करेंगे जब हमें परचेज करने की जरूरत पड़ेगी, और परचेज करते समय जब भी आएगा तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, ठीक है। तो ये तो पेमेंट की बात थी। सबसे पहले हम रिसिप्ट पे आते हैं। रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए आपको F6 प्रेस करना होता है, तो कीबोर्ड से फंक्शन बटन F6 प्रेस कर दीजिए। देखिए रिसिप्ट बाउचर में आ गए। अब यहां पर रिसीविंग से संबंधित कार्य होते हैं। रिसीविंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी दुकान है, आपकी शॉप है और आपने कुछ सेल किया, तो आप पैसा रिसीव करोगे। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि हमें पेमेंट करना है, तो पेमेंट वो परचेस करते हैं तो भी पेमेंट करते हैं, और अगर सेल करते हैं तो भी पेमेंट करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये गलती हो जाएगी। जब आप परचेस करेंगे तब आप पेमेंट करेंगे, अदरवाइज जब आप सेल करेंगे तो रिसीव करेंगे पेमेंट। तो रिसीव की जितनी एंट्री होगी, चाहे जैसी भी रिसिप्ट हो, आप उस रिसिप्ट बाउचर में ही करेंगे। चाहे जो भी रिसीविंग हो वो सब रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास होती है, ठीक है। तो रिसिप्ट बाउचर में ये एंट्री पास होगी। दूसरा बाउचर जो है पेमेंट बाउचर की बात कर लेते हैं। F5 प्रेस कर लेंगे फंक्शन बटन तो पेमेंट में आ जाएंगे। तो जब हम परचेस करते हैं तो उसका हमें पेमेंट देना होता है, तो पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट बाउचर का यूज करते हैं। चाहे हम लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में उसका हमें पेमेंट करना होता है, तो उस कंडीशन में भी हम पेमेंट बाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रा बाउचर की। तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रा बाउचर है, देख सकते हैं। कंट्रा बाउचर के लिए F4 प्रेस करते हैं, और कंट्रा बाउचर में केवल अपने खाते से अपने ही खाते में पैसा भेजने के लिए इसको यूज किया जाता है। आपका एक खाता PNB में, एक खाता SBI में है, तो SBI से PNB में पैसा भेजिए, कैश भेजिए, चेक भेजिए, क्या करना है वही सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अगला परचेज बाउचर की। बात करते हैं परचेज बाउचर के लिए F9 प्रेस किया जाता है, और जो भी परचेजिंग होती है वो होती है परचेज बाउचर में। यहां पर देखिए ऊपर दिया हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए। फिर डेट आती है, फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर देखिए पार्टी अकाउंट नेम आता है, तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि डेटर पार्टी का लेजर आप यहां नहीं लगाएंगे, यहां पर जब भी लगाएंगे तो किसका लेजर लगाएंगे, क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेस बाउचर के बाद सेल्स बाउचर की बात कर लेते हैं। तो सेल्स बाउचर के लिए आपको F8 प्रेस करना रहता है। आप सेल्स बाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस करते हैं, तो F8 प्रेस करके और आ जाएंगे सेल्स बाउचर में। तो जैसे ही सेल्स बाउचर में आएंगे तो आपको यहां पर देखिए आपको सेल करना है। यहां पर जो सामान आप खरीद के लाते हैं होलसेलर से, परचेजिंग करते हैं, फिर आप सेल करते हैं, तो जो सेल करेंगे वो सेलिंग जो है इसमें एंट्री पास होगी। मतलब किसी ग्राहक को बेचते हैं सामान तो आप इसी बाउचर में एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हम सेल करेंगे वो पैसा हम रिसीव करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब भी सेल्स करेंगे तो उसकी रिसीविंग होगी, यानी उसकी एंट्री रिसिप्ट, जब हम पेमेंट प्राप्त करेंगे तो उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में पास होगी, और जब हम परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री जब हम पेमेंट उनको देंगे तो पेमेंट बाउचर में होगी, ठीक है। सामान की तो लिस्ट इसी में बनेगी, सेल्स बाउचर में ही बनेगी, ठीक है, लेकिन पेमेंट वगैरह की जो डिटेल है वो रिसिप्ट बाउचर में जाएगी। इसी तरह से परचेस बाउचर में सामान की लिस्ट परचेस बाउचर में बनेगी, ठीक है, और जो पेमेंट का हिस्सा है वो पेमेंट बाउचर में पूरा होता है, ठीक है, क्लियर है ना। ये F2 से डेट चेंज होता है, F3 से कंपनी में जा सकते हैं, कौन सी कंपनी है चूज वगैरह कर सकते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा F7 प्रेस करते हैं, किस लिए, जनरल बाउचर के लिए प्रेस करते हैं। F7 प्रेस करेंगे तो आप जनरल बाउचर में चले जाएंगे। जनरल बाउचर में वो एंट्रीज आती हैं जो किसी बाउचर में पास ही नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब किसी बाउचर में एंट्री पास ना हो सके, ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि हम बिजनेस के पर्पज से ही टैली को यूज करते हैं, और हो सकता है कि आप पर्सनल यूज के लिए कोई चीजें खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम जनरल बाउचर का भी यूज करते हैं। इसके अलावा TDS वगैरह के लिए भी हम जनरल बाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला, अदर बाउचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अदर बाउचर पे आप जाते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे बाउचर्स और भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं एक बाउचर दिखाई पड़ रहा है आपको, क्रेडिट नोट बाउचर, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट नोट बाउचर का यूज करते हैं। अल्ट के साथ F6 प्रेस करके हम क्रेडिट नोट बाउचर में जाते हैं, ठीक है, और जब रिटर्न आता है तो सेल्स रिटर्न जब आएगा तब हम क्रेडिट नोट बाउचर में एंट्री पास करेंगे, सेल करेंगे
और सेल करने के बाद मान लीजिए चीनी खरीद लिया, तो मान लीजिए 50 किलो चीनी चीनी खरीदा, उसमें पानी वानी पड़ा हुआ है, तो वो ले आके ग्राहक वापस कर जाएगा, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में पास करेंगे। ठीक है, हम पास करेंगे क्योंकि हमने बेचा था तो हम पास करेंगे। डेबिट नोट वाउचर में क्या होगा, डेबिट नोट वाउचर में अगर हम सामान परचेस करते हैं तब हम उसकी एंट्री जो है डेबिट नोट वाउचर में पास करते हैं। ठीक है, जनरल वाउचर बता ही दिया मैंने। इसके बाद यहां पे देखिए फिजिकल स्टॉक के लिए ये कंट्रोल प्लस F6 F7 है, और स्टॉक जनरल के लिए यहां पे दिया हुआ है अल्ट प्लस F7। इसी तरह से पेरोल अगर आपको एक्टिवेट करना है, पेरोल में क्या होता है सैलरी वगैरह का डिटेल बनाया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F4 इसके लिए प्रेस किया जाता है। यहां पे देखिए सो इनएक्टिव दिया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो और भी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं रिजेक्शन आउट दिया हुआ है, फिर यहां पे देखेंगे रिजेक्शन इन दिया हुआ है, तो सबकी अलग अलग वर्क्स हैं। आगे चल करके इसको और भी डिटेल में थोड़ा हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।